नमस्कार वेलकम ऑल टू स्टडी मैं हूं प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लाखों इंडियन वर्कर्स बहुत ही जल्द इसराइल में जाएंगे काम करने के लिए और इसका जो पहले वर्कर्स का बैच ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इसराइल में हाल ही में भेजा गया यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है इसराइली अम्बेसडर टू इंडिया की यह कह रहे हैं टुडे वी हैड ए फेयरवेल इवेंट फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ 60 प्लस इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स गोइंग टू टू अंडर गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्रीमेंट दिस द जो एम्बेसडर कि थैंक यू एक ऐसे टाइम में जब इसराइल को वर्कर्स की शॉर्टेज थी इंडिया लाखों वर्कर्स भेजेगा टू इसराइल हालांकि मुझको देखो आ, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो रियल पिक्चर है ये आपको दिखाऊं ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी वर्कर्स की शॉर्टेज है हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वर्कर्स कहीं ना कहीं से इंतजाम करा के भेज रहे हैं इसराइल में इंडिया में भी देखो हाई पेइंग जो जॉब्स हैं अच्छी जॉब्स जो आप कह लीजिए इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड इनकी कमी है तो बहुत सारे इंडियंस हैं दसियों हजारों इंडियंस हैं जो इसराइल में जाकर काम करना चाहते हैं चाहे वहां पर गाजा वाला इशू हो ना हो वॉर वाली सिचुएशन हो ना हो मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा उसमें आप देख के हैरान हो जाएंगे इतने सारे इंडियंस जराइली वीजा के लिए वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं कि उनको कब इसराइल जाने का मौका मिले और वो भी एक अच्छी इनकम अर्न कर पाए इन इसराइल अब यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल इंडियन वर्कर्स लाइन अप फॉर जॉब्स इन इजराइल ये इमेजेस पे आपको दिख जाएंगी इधर आप देख पाओगे ना ये तो इमेजेस हैं वीडियो आप देखेंगे यहाँ पे आप नोट कर पाओगे ये आप देखोगे ये इतने सारे लोग हैं लाइन लगाकर ये वेट कर रहे हैं कि हमको आप मौका दीजिए हम इसराइल में बिल्कुल काम करना चाहेंगे एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेरियस टाइप की इंडस्ट्री में बिल्कुल ये काम करना चाहेंगे और इसका एक रीजन भी है रिसेंटली ही एक्चुअली अप्रैल 2024 में ही हमने देखा है कि इसराइल ने अपने देश में जो मिनिमम नेशनल वेज है ये बढ़ा दी है यहाँ पे आप देख पाओगे द न्यू मंथली मिनिमम वेज फॉर फुल मंथ वर्क इज नाउ ऑलमोस्ट आप के लिए देखो इसराइल में जो इनकी करेंसी है ये है शकिल तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें यूएस डॉलर में तो यूएस डॉलर में ये अमाउंट बैठता है करीब 1600 सौ यू डॉलर्स का मतलब कि हम यहां पर एक लाख तीस हज़ार रुपये से ऊपर की बात कर रहे हैं तो कम से कम एक आदमी अगर इसराइल में काम करता है कम से कम इतने तो कमाएगा ही बाकी जो उसकी एक्सपर्टीज़ है जो उसकी अगर आप मान लीजिए डिमांड है उसके काम की तो वो डेढ़ दो लाख के आसपास भी कमा सकता है तो आप कह लीजिए कंपेयर टू इंडिया इंडिया में आप बता दीजिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कब एक लाख तीस हज़ार रुपये कमाएंगे तो इसलिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं हमने ऐसे आर्टिकल्स देखे कि विथ पलस्तिनियन लेबरर्स शट आउट ऑफ इसराइल इंडियन वर्कर्स लाइन अप फॉर जॉब्स देयर देखो जब से गाजा में इसराइल का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है हमास इसराइल की वॉर बिल्कुल आज के समय पीक पे है उसके बाद से क्या हुआ कि इसराइल ने सारे फलस्तीनियन वर्कर्स को यह कहा कि वापस अपने देश में जाओ क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेड हमेशा बना हुआ था इसराइल को पता था नहीं कि अगर मान लो कल को ये जो फलस्तीनियन वर्कर्स हैं ये गाजा से जो इमेजेस आएंगी वो देखकर विचलित हो गए वो देखकर गुस्सा आ गया इनको या कुछ वर्कर्स ने डिसाइड किया कि चलो अब कुछ बड़ा कर देते हैं इसराइल को सबक सिखाना पड़ेगा उस केस में इसराइल क्या करेगा तो अपने सिटीजन की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने फलस्तिनियन वर्कर्स को कहा कि वापस वेस्ट बैंक गाजा जहाँ से भी आप आए हैं वापस चले जाइए और उसके बाद देखो इसराइल के सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये था कि इन वर्कर्स को ये रिप्लेस कैसे करेंगे क्योंकि दुनिया में अब बहुत कम देश बचे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी कम हुई है कि वहाँ पर बड़ी आबादी में लोग लेबर करने को तैयार हैं उनमें से एक इंडिया भी है ना ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान भी है बांग्लादेश भी है इंडोनेशियन वर्कर्स भी बहुत जाते हैं बाहर के कंट्रीज में अफ्रीका के कई देश हैं उनके वर्कर जाते हैं लीबिया से अल्जीरिया से माली से नाइजर से मगर इसराइल के सामने देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वो आज भी इसराइल को एज ए नेशन एक्सेप्ट नहीं करते फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आप देख पाओगे इंडोनेशिया कहता है इसराइल नाम का कोई देश नहीं है पाकिस्तान कहता है कि इसराइल एग्जिस्ट नहीं करता बांग्लादेश कहता है कि देर इज़ नथिंग लाइक इसराइल कई और कंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल भी इसराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते तो इसराइल के पास देखिए ऑप्शन इतनी थी नहीं बट मैं ये कहूँगा जो ऑप्शन अवेलेबल है वो इसराइल को इतना सूट करती है क्योंकि आप सोच कर देखिए इसराइल के इतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ जब इंडियंस के बारे में इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं इसराइल के ऑफिसर्स वो कहते हैं स्काई इज द लिमिट आप बताइए किस सेक्टर में कॉपरेशन करनी है कहाँ बातचीत करनी है आपसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेस में बातचीत करनी है आपको एजुकेशन की फील्ड में रिसर्च में कहीं भी आपको अगर कॉपरेशन करनी है इसराइल आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है इसके कई रीज़न है पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी फ्रेंडली है टूवर्ड्स इसराइल इंडिया के लोगों में आप कह लीजिए काफी सद्भाव है इसराइल के प्रति क्योंकि इसराइल ने कभी इंडिया के अगेंस्ट कोई स्टेप चला नहीं है तो इसलिए ही एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पैक्ट हुआ दोनों देशों के बीच में और उसके अंडर इंडियन वर्कर जा रहे हैं इसराइल में अब आप सोच कर देखो एक ये इसराइल की सोच है कि इंडियन वर्कर्स को किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं फिर एक ताइवान देश है ना ताइवान के बारे में मुझे कुछ नेगेटिव बोलने में ना थोड़ा सा झिझक हो रही है क्योंकि अभी रिसेंटली ही यहाँ पर अर्थक्वेक आया है और चाइना की जो मिलिट्री है वो भी यहाँ पर मंडरा रही है बट जो ताइवान की तरफ से इंडियन वर्कर्स को लेकर जो रेसेस कॉमेंट्स आए थी हम आपको याद होगा ताइवान की पूरी सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी थी जब ताइवान की जो लेबर मिनिस्टर है उन्होंने ये कह दिया था कि हम सिर्फ उन्हीं वर्कर्स को लाएंगे जो हमारे जैसे दिखते हैं जो मतलब ताइवान के जैसे लोग हैं वैसे दिखते हैं नाव अब सोच कर देखिए इसके कंपैरिजन में इसराइल की सोच कितनी ओपन माइंडेड है क्या इसराइल ने यहाँ पर एक बार ये कहा कि हमको जो आप कह लीजिए यूरोपियन दिखने वाले या फिर जैसे इसराइल के लोग जैसे दिखते हैं वैसे लोग चाहिए सिंपली उनका एक कहना यह है कि हमको स्किल्ड वर्कर चाहिए इंडिया से और इंडिया इनको सूट इसलिए भी करता है क्योंकि इंडिया में सिटीजनस का डेटा रिलेटिवली प्रोपरली मैप किया हुआ है अगर मान लो कोई अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे सरकार का इतना कंट्रोल नहीं है जहाँ पे आधार का सिस्टम अवेलेबल नहीं है जहाँ पे पासपोर्ट काफ़ी बार गलत तरीके से ही बन जाता है वहां पे ना आपको ट्रैक कर पाना कि जिस आदमी को अपने देश में आप ला रहे हो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है उसका बैकग्राउंड क्या है यह पता कर पाना मुश्किल होता है इंडिया में फिर भी रिलेटिवली मैं कहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी काफी हद तक एग्जिस्ट करती है सरकार प्रॉपरली ट्रैक कर रही है कि किसको पासपोर्ट दिया जा रहा है उस आदमी का बैकग्राउंड क्या है उसके बाद इसराइल को भी एक प्रॉपर डेटा मिलता है वो भी डिसाइड कर पाते हैं कि इस आदमी को एज ए वर्कर इसराइल में इन्वाइट करें या ना करें और मैं आपको बता दूं एक बार एक लाख इंडियन वर्कर्स इसराइल में चले गए ना और जो इंडियन वर्कर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है देखो इंडियन वर्कर्स कहीं भी गए हैं ना इन द पास्ट कहीं से भी उनको फिर वापस नहीं भेजा गया सिवाय इदी अमीन का जो केस है वही मुझे एक थोड़ा याद आ रहा है अफ्रीका का मगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में देख लीजिए सऊदी अरेबिया में इंडियन वर्कर्स इनकी इकोनॉमी की जान है आप कभी अगर घूमने के लिए कतर में जाएंगे यू में जाएंगे आपको इतने सारे इंडियन मिलेंगे वहाँ पर पाकिस्तानी वर्कर्स भी मिलेंगे मगर इंडियन वर्कर्स जितने सारे होते हैं आपको ऑलमोस्ट लगेगा ही नहीं कि आप किसी और कंट्री में हैं मतलब हिंदी बोलने वाले इतने सारे लोग आपको मिल जाएंगे वहाँ पे क्योंकि इंडियंस वहाँ पे रिलेटिवली बहुत जगह काम कर रहे होते हैं तो सेम केस आपको दिखेगा मोस्ट प्रॉब्ली इन द नियर फ्यूचर इन इज़राइल ये एक लाख इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स का इनिशियल पैक्ट है कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर में दो तीन लाख भी इंडियन वर्कर्स इसराइल में जाएँ क्योंकि इसराइल की आबादी वैसे काफ़ी कम है एक करोड़ की आबादी भी नहीं है और इसराइल को इन द फ्यूचर काफ़ी एक्सपैंड करना है काफ़ी ग्रो करना है जराइल uh, कई जो इनकी लोकेशंस हैं वहाँ पे अभी बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएगा जैसे कि गोलन हाइट्स हैं और उसके अलावा इवन और कोई बड़ी बात नहीं है कल को ये गाजा पट्टी में भी कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो इसराइल अभी बहुत विस्तार करेगा और इनको विस्तार करने के लिए इंडियन लेबर की आवश्यकता होगी ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सेफ्टी का क्या क्या हमारे वर्कर्स इसराइल में सेफ रहेंगे वैसे आप अगर देखो तो इसराइल में रेलेटिवली वर्कर्स के लिए जो इनकी गाइडलाइंस हैं काफी अच्छी हैं वर्कर सेफ्टी को ये काफी प्राथमिकता देते हैं बट रिसेंटली न्यूज सामने आई थी यहां पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है केरला मैन किल्ड ऑन इजरायली फार्म ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंडर नहीं गए थे ये अलग से गए थे इसराइल में काम करने के लिए और इसराइल ने कहा था कि हिजबुल्ला की तरफ से जो अटैक आया था इसराइल की नॉर्दर्न बॉर्डर में उसकी वजह से एक केरला से जो एक व्यक्ति गए थे यहाँ पर इसराइल में उनकी मृत्यु हो गई अब देखो हमें ये बात इंश्योर करनी होगी कि इसराइल ध्यान रखे कि जो इंडियन वर्कर्स इसराइल में जाएंगे ये सेफ रहे क्योंकि मैं आपको यही बता दूँ इंडियन वर्कर्स पलस्तीनियन वर्कर्स को जो रिप्लेस करेंगे ना इस बात को लेकर पलस्तानियंस खुश नहीं होंगे कई फ़लस्तीन वर्कर्स के लिए इसराइल की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो ये लोग भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा आप कह लीजिए गुस्सा होंगे इनके अंडर बिटरनेस होगी कि हमारी जॉब्स जो थी लाखों जॉब्स ये इंडियंस ले जाएंगे इन द नियर फ्यूचर और वो सारा पैसा जो फलस्तीन में आता था अब इंडिया जाया करेगा तो ऐसे केस में देखिए बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको टारगेट करे हमास या हिजबुल्ला तो जो सेफ्टी है इंडियन वर्कर्स की ये पैरामाउंट होनी चाहिए वी हैव टू मेक श्योर के इंडियन वर्कर जो यहां पे जा रहे हैं इसराइल में ये सेफ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहां पे इंडियन वर्कर्स को टारगेट किया जाता है उसके बाद ऑब्वियसली एक रिलक्टेंस दिख सकती है इंडिया में भी के वर्कर्स कह सकते हैं कि हम इसराइल नहीं जाना चाहते तो सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस तो अभी देखिए शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और इन द फ्यूचर आप देखोगे बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी बिटवीन इंडिया एंड इसराइल रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उम्मीद यही है कि जो कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज की ये इंप्रूव ही होती रहेगी तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं इन द फ्यूचर मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में आज के समय हम नाइनटीए एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं किस इंस्टीट्यूशन की ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस ब्रिक्स बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर सही आंसर जो है जो लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में मैं कोशिश करूंगा क्योंकि कमेंट को हाथ दे दूं ताकि बाकी लोग सही आंसर समझ पाए और हाँ आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी स्टडी आई का जो यूपीएससी कोर्स है इसके साथ आपको अब फ्री फिजिकल बुक्स मिलेंगी जो डिलीवर की जाएंगी आपके एड्रेस पे अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं आपके पास टाइम है एक दो साल का आपको प्रॉपरली रुक के प्रेपरेशन करना है यूपीएससी के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाइए यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा वैसे आप वेरियस लैंग्वेजेज में कोर्स परचेज कर सकते हैं अगर आप प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो लाइव हिंदी बैच भी है वैसे अगर आप हिंदी uh, इंग्लिश का जो मिक्स हम कहते हैं हंग्लिश लैंग्वेज उसमें आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच भी आप यहाँ पर कर सकते हैं परचेज और जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ना थर्टी ये आपको पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है सिंपली यहां पर कोड यूज करिए पीटेन और ये प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे सीधा सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का आपको मिलेगा डिस्काउंट और तीस महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा ये कोर्स टेक्निकली आप सिर्फ हजार रुपए पे कर रहे होंगे एक महीने का फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन और अभी देखिए ऑफर चल रहा है जिसमें आपको स्टडी आई की जो बुक्स हैं ये भी मिलेंगी जो डिलीवर की जाएंगी आपकी एड्रेस में ये बुक्स आप अगर एमेजोन पे या फिर स्टडी आई के प्लेटफॉर्म पे परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको मिलेगी छह हजार रुपए की तो एक आप कह लीजिए मैसेव एडिशन आपको मिल रहा है ये बुक्स आपको काफी हेल्प करेगी इन प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए यूज द कोड पीरियडे एंड सेव मनी सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू